जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बां तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो इस मशहूर गज़ल के खालिक हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब, और आइए इसी के साथ मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ जुनून गज़ल के इस मुकाबले में। और अब एक नज़र डालते हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब की हालात ज़िंदगी पर। मौलाना हसरत मोहानी का असली नाम सैयद फजलुल हसन था। आप हसरत तखल्लुस फरमाते थे। कस्बा मोहान जिला उनाव में सन 1875 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। सन 1903 में अलीगढ़ से बीए किया। शुरू ही से शायरी का जौक था। अपना कलाम तस्नीम लखनवी को दिखाने लगे। सन 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला उर्दूए मुअल्ला जारी किया। उसी दौरान शोराए मुतकद्दमीन के दीवानों का इंतखाब करना शुरू किया। स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। चुनांचे अल्लामा शिबली ने एक मर्तबा कहा था, तुम आदमी हो या जिन, पहले शायर थे फिर सियासतदान बने और अब बनिए हो गए हो। हसरत मोहानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। सन 1947 तक कई बार कैद और रिहा हुए। इस दौरान उनकी माली हालत तबाह हो गई थी। मौलाना हसरत मोहानी ने सन 1951 को वफात पाई। तो चलिए अब इस दस्तावेजी फिल्म के बाद मौलाना हसरत साहब को नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं जहमत देना चाहूंगी जनाब हर्ष व्यास जी को। लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, बराबर याद आते हैं, बराबर याद आते हैं। तो नाज़रीन
अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगी और बुलाना चाहूँगी हमारे बकिया दो फनकारों को। जया जी, गिरीश जी, इससे पहले कि आप ये मुकाबला शुरू करें, मैं अपने जज साहिबान से दरख्वास्त करूँगी कि वो आपसे चंद अल्फाज कहें। इजाज़त सर, कहना क्या है, बस अब मुकाबले की घड़ी है, जो जीता वो सिकंदर, दूसरा अपने घर के अंदर। क्योंकि आखिरी दौर में एक हमारे उम्मीदवार पहुंच गए हैं, एक को और पहुंचना है, तो आप दोनों के पास ही है चाबी वहां तक जाने की, क्योंकि जो अच्छा गाएगा वही वहां तक जाएगा। हम यहां पर नंबर देने वाले कोई नहीं है, सिर्फ आप गाने वाले हैं, और आपके बीच में और कोई नहीं है। आज जितना बेहतर गा सकें, जितना अच्छा गा सकें, गाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं मुकाबले की। मेरी गनी बहुत खूब जज साहिबान, बहुत अच्छा गाया। और थोड़े अल्फाजों के लिए मैं कहूँगा, थोड़ा अल्फाज, कुछ अल्फाज आपके समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उतार चढ़ाव ऐसा था कि कुछ अल्फाज समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी अच्छा गाया आपने। बाकी गायकी तो वाकई बहुत उमदा थी, और सरगम भी बहुत अच्छी गाई आपने, बहुत अच्छा। शुक्रिया। इतनी अच्छी आवाज है, अभी इनको तो खाली मुकाबले करना है, अपने आप ही फैसला करना है आपको। जय जी के बारे में कह रहा हूँ, गिरीश के बारे में फैसला तो आप दोनों को करना है आपस में, देखते हैं। ऑडियंस भी है, आप दोनों भी हैं, और ये तो मालूम है कि एक तो निकल लिए है वहाँ पर, अब आप दोनों में कौन जाता है अंदर, वो देखना है। तो चलिए गिरीश जी, क्या आप तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं आप ये गजल से। पेशे खिदमत है जनाब दाग साहब की गजल। जज साहबा ने एक अजब सा इत्तेफाक हो गया है कि जया जी ने जिस राग में अपनी गजल पेश की वो यमन था, और जिस राग में मैं ये गजल पेश कर रहा हूँ वो भी यमन है। उधर यमन जी, इधर यमन जी, जो जीता उसके आगे खूबसूरत चमन। क्या बात है, क्या बात है। तर
बहुत खूब। तो दस साहिबान, क्या कहेंगे आप गिरीश जी के बारे में? जुनून गजल अब अपने बिल्कुल जुनून पर है। जुनून पर है बेशक, बिल्कुल। अब हर शख्स अपना सबसे बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा है और उसी की एक पहचान है। और हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा विकास जी, इस तरह से कौन फाइनल में जाएगा, कौन फाइनल में जाएगा, इन पर ही छोड़ देते हैं हम, क्यों मेहनत नहीं कुछ ऐसा हो, क्योंकि उनकी गजल अलग मूड की थी, इनकी गजल अलग मूड की थी। एक काम करते हैं जी, हम लोग इनको एक गजल देते हैं। अच्छा, उस एक ही गजल को आप गाएंगी अपने हिसाब से और उसी गजल को आप गाएंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या, कौन से राग में आप उसे गाते हैं, आप कौन सी राग में गाती हैं, अब ये दोनों आपस में फैसला कर लीजिएगा। गजल हम आपको देते हैं। और बड़ी मादरत से बोल रहा हूँ, राग की तो खैर बात विकास जी कह, मैं कह रहा हूँ आप सरगम अपनी डालिए उसमें, हरकतें अपनी डालिए उसमें जी। और कहाँ नीचे लेना है, कहाँ ऊपर लेना है, ये अपनी सोच से डालिए और उसमें से फिर आपको हम चुनेंगे कि उसकी बेहतर सोच, बेहतर अदायगी और बेहतर गुलकारी, तीनों चीज़ों के पॉइंट हम देंगे। आपकी बेहतर सोच, बेहतर गायकी और बेहतर गुलकारी, हरकतें, सरगम, ये सब जोड़े जाएंगे मेरी तरफ से। और उर्दू के लिए
बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नमक भी ज्यादा ना हो, मिर्ची भी ज्यादा ना हो। आप लोग को मंजूर है? जी हमारे साजिदों को मंजूर है ये बात? बिल्कुल। हमारी नाजिम? बिल्कुल, मुझे तो खाना वही बेहतर होता है जिसमें नमक भी सही हो और मिर्च भी सही हो। वो मैंने ठीक कहा ना? हाँ जी बिल्कुल। चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो वो इनको पर है। लेकिन हमारी नाजिम आप पर बहुत मेहरबान रहती है। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, रहेगी वो तो बाप के ऊपर। ठीक है तब। ये गजल अख्तर शीरानी साहब की है, उसका अनुवाद है। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। अब ये फैसला करना है, आह किसको करनी है, दिलो दिमाग किसको। फैसला कर लीजिए पहले कौन शुरू होगा। सर मुझे यकीन है, मुझे यकीन कहने की जरूरत नहीं है, जी जय ही शुरू करेंगे। जमाना लेडीज का, औरतों का भाई। मैं वही कहने वाला हूँ सर, लेडीज फर्स्ट। औरतों से आजकल बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेडी सर। Thank you.
क्या बात है। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना खूबसूरत उठाया और यहाँ पर आ गया कि ये गलत गा रही हूँ तो सब गलत हो गया। खैर, दूसरी बारी बहुत अच्छा उठाया। अब बारी बरखुरदार आपकी है। दिलो दिमाग को, दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा। तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर देखते हैं आप दोनों में से किसकी गजल हमारे जज साहिबान के दिलों को छू गई। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप? गिरीश जी सर, जब पहले दिन मैंने तुम्हें सुना था जी, तो मुझे यकीन हो गया था कि इस गजल की दौड़ में तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया सर। लेकिन आज तुम रुक गए। लेकिन जया जी ने क्या किया मालूम आपको? जया जी ने आपके जाने का रास्ता खोल दिया। आप सेफ है। थैंक यू सर। जया जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरू से आप इस खूबसूरती से गा रही थी, मुझे पूरा यकीन था आप पर, हम दोनों को यकीन था
कि आप बाजी ले जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये शुरुआत भी बहुत खूबसूरत की थी आपने, लेकिन वो जो तजर्बा है स्टेज का, उसमें जो ट्रैक्स पे गाते हैं आजकल, और इन्होंने जो गायकी की वो गज़ल वाली गायकी की, सम छूट भी गया तो वादा नहीं, थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने उसको वहाँ से पकड़ा गज़ल को, लेकिन तजर्बेकार लोग सम से ही पकड़ के गाना है, वो जहन में हम लोग के है, तो वो कभी कभी गज़लों में आकर के गलत हो जाता है। गज़ल में आपके पास पूरा पूरा मैदान खाली है, आप कहीं से भी आएँ, कहीं जाएँ, कहीं खेलें, पूरा खेलने के लिए मैदान खाली है, लेकिन गीतों में ऐसा नहीं है। गीतों में वो आपके पास उतना मीटर है, उस मीटर में ही आपको गाना है, तो वो चीज़ जो थी गीतों वाली, वो शायद आज आपको आखिरी दौर तक ले जाने के लिए कम पड़ गए, लेकिन गायकी बेशक बहुत लाजवाब गायकी, उमदा गुलकारी, और लग रहे आप और बहुत आगे जाएं। शुक्रिया। ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गायकी बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत की बात है। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी किसी किसी कलाकार का दिन होता है, किसी का नहीं होता है, तो शायद आज मेरा दिन नहीं था, इसलिए मुझे उस चीज़ का गम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ गिरीश जी के लिए, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे कोई गम नहीं है, उल्टा मैं खुश हूँ उनके लिए कि वो आगे गए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। एक तजर्बेकार कलाकार ही बोल सकता है। गिरीश, यहाँ तक तो इम्तहान पास कर लिया तुमने जी, ये आखिरी पेपर है जी, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, बड़े सख्त दिए गए हैं, उस पर स्टडी कर लेना। बिल्कुल सर। तो नाज़रीन, दोनों उम्मीदवारों ने जज साहिबान की दी हुई गज़ल को अपने अपने अंदाज में गाया, पर गिरीश जी की गज़ल दिल को छू गई, और जज साहिबान जया जी की गज़ल से इतने खुश नहीं थे, इसलिए आज उन्हें ये मुकाबले से खारिज होना पड़ रहा है। इसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी है कि गिरीश जी पहुंच गए हैं हमारे कातिल आखिरी मुकाबले में, जहां एक ज़ोरदार मुकाबला होगा आदित्य जी और गिरीश जी के बीच। पर वो देखने के लिए आपको और मुझे हमारी अगली किस्त और हमारी आखिरी किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ।